एक अनुरोध है माननीय धर्मात्मा महोदय, ये परंपरा भी रही है सदन की कि जब दलीय नेता बोलते हैं तो कम से कम वित्त मंत्री को जब बजट पे भाषण होता है तो उनका होना, ये परंपरा है, उनको होना चाहिए। माननीय नेता कांग्रेस बोल रहे हैं, इसके पहले बाकी सब लोग सब बोल चुके हैं। बढ़ता माननीय नेता सदन होते, नेता प्रतिपक्ष होते, संसदीय कार्य मंत्री होते तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता, सदस्यों की संख्या देख रहे हैं। अब ऐसे में हम बोलें भी तो क्या बोलें, तो अगर आपका निर्देश हो तो हम लोग बोलें, जहां सुनी जाए वहां बोलें। तो ये तो हम लोगों का अपमान हुआ श्रीमान, आपकी बात तो सुनी जा रही है, ये अपमान हुआ। कम से कम तो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट रखा है तो दलीय नेताओं की बात वित्त मंत्री माननीय वित्त मंत्री जी को रहना चाहिए भाई। हम तो ऐसे ही दुर्भाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष हम लोग दलीय नेता बोल रहे हैं, माननीय राजभर जी बोल रहे थे भाई भाई भाई, अब नेता प्रतिपक्ष नहीं रह रहा है तो कम से कम जो है सरकार की तरफ से बड़े गंभीर माननीय मंत्री विराजमान हैं। हम लोगों का तो निवेदन है कि आधे घंटे के लिए सदन स्थगित कर दिया जाए, माननीय नेता आ जाए तो हम लोग बोले। उधर से बुलवाए, आप बुलवा दो, हम तो बीच में आप पूरी कर लीजिए अपनी बात, आप मोना जी आप पूरी करिए, उधर से बुलवाइए। आप आधे में छोड़ दिया आपने, आप पूरा कर लीजिए ना। अब अधिष्ठाता महोदय आपकी बात को आपको आपकी बात को काटना उचित नहीं है क्योंकि पीठ से निर्देश हुआ है, पर ये परंपराएं सदन की गरिमा के विपरीत है। संसदीय राज्य मंत्री भी विराजमान है और वरिष्ठ मंत्री जी अभी अभी विराजमान आ गए, ठीक श्रीमान अभी विराजमान हुए हैं, आभार है कि कम से कम हमारे आपके आग्रह को स्वीकार कर लिया। वीडियो में सब दर्द माननीय अध्यक्ष अधिष्ठाता महोदय।